हेलो एवरीवन, रेस्पिरेशन के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। आज के वीडियो लेक्चर में उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया था, एक्वेटिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया था। एरोबिक रेस्पिरेशन की हमने एरियल रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था, जिसमें कॉकरोच का हमने एग्जाम्पल लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम एनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, एंड जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो हम लिवर फ्लूइड का लेंगे, हेपेटिका का लेंगे। ओके, तो लिवर फ्लूइड जो है वो चूँकि शीप के अंदर पाया जाता है, शीप के लिवर या इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, बाइल डक्ट में पाया जाएगा, तो उनके पास जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है। ठीक, तो कम मात्रा में जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, उस रेस्पिरेशन को कम ऑक्सीजन की मात्रा में जब हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं तो वो एनारोबिक काइंड ऑफ रेस्पिरेशन कहलाता है। तो एनारोबिक काइंड ऑफ रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बेसिक बात क्या है कि उस प्रकार का रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर ऑक्सीजन की कमी में किया जाने वाला रेस्पिरेशन जो है वो एनारोबिक काइंड ऑफ रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, अब फैसियोला हेपेटिका की बात करें तो ये क्या है, पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है, शीप के बॉडी के अंदर, उसके इंटेस्टाइन के अंदर, उसके लिवर के अंदर पाया जाता है और वहीं से न्यूट्रिशन जो है गेन करता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहरी एनवायरनमेंट से डायरेक्ट एयर तक से उसका कॉन्टैक्ट नहीं होता, एयर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता बाहरी एयर से। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि O2 की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। रिक्वायरमेंट इसलिए कम होती है क्योंकि O2 की जो क्वांटिटी है वही बहुत कम होती है वहाँ पर, इसलिए उनको जीना पड़ता है ऐसे ही। ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो प्रोसेसिंग होती है, जो रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है। जो ऑक्सीडेशन में होता है फूड का, उससे जो एनर्जी निकलती है वो बहुत कम निकलती है, इसलिए कम एनर्जी में सर्वाइव करना पड़ता है। फैसियोला हेपेटिका एंड टीनासोलियम, इन दोनों के अंदर जो है एनएरोबिक काइंड ऑफ रेस्पिरेशन होता है। अब ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर सबसे पहले तो क्या है, तो O2 अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है बहुत कम है, ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होता है, बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन जो है यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो इससे होता क्या है, अब यहाँ पे करना क्या पड़ता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज जो है स्टोर्ड रहता है इनके बॉडी में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर्ड रहता है, उस ग्लाइकोजन को हाइड्रोलाइज किया जाता है, उस ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है। जब ग्लाइकोजन को हम तोड़ते हैं, उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन इज हाइड्रोलाइज, स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो है वो हाइड्रोलाइज किए जाते हैं। ग्लाइकोजन कहाँ से है, शरीर में जो खाना गया होगा, जो न्यूट्रिशन गया होगा, उसका ब्रेकडाउन हुआ होगा ग्लूकोज के फॉर्म में, और ग्लूकोज जो है शरीर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन जो है कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल चेन बनाते हैं, तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। उसी कारण से जैसे हमारे शरीर में भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होके रखता है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब एनर्जी हमारे शरीर में बाहर से एनर्जी कम आती है, ऑक्सीजन कम होता है, हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, उस समय वो ग्लाइकोजन जो है ब्रेकडाउन होता है। तो स्टोर्ड ग्लाइकोजन इज हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज किससे होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस जो होगा वो होगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस आ गया टर्म, दैट मीन्स कि ब्रेकडाउन हो रहा है। लाइसिस अगर बोल दिया गया इसका मतलब है कि किसी चीज़ कोई चीज़ टूट रही है, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है वो प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा, ग्लाइकोजन का जो ग्लाइकोजन कन्वर्ट किसमें होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होने के बाद इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया जाता है कुछ नॉन वोलेटाइल फैटी एसिड में, ठीक है, और CO2 में, और एनर्जी रिलीज होती है। जब इस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस में, या ग्लाइकोजेनोलाइसिस से जब इस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमें मिलता है वो मिलता है फैटी एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है जो कि यहाँ पे यूज होती है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ
फैटी एसिड, और उसके साथ ही साथ क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एंड एनर्जी रिलीज। ठीक है, तो प्रोडक्शन हो रहा है फैटी एसिड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज हो रही है। ये जो एनर्जी है ये क्या करेगी, यही मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगी। अब उसके आगे बात करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड और CO2 हो गया, एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो गई। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इस प्रोसेस में O2 जो है वो यूटिलाइज नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन की स्कार्सिटी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो O2 का यूटिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो O2 किसी भी प्रकार से यहाँ पे यूटिलाइज नहीं होता, इसलिए प्रोसेस को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। O2 इज नॉट यूटिलाइज, दैट इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे O2 का किसी भी प्रकार का कोई यूटिलाइजेशन, कोई यूज यहाँ पे नहीं होता है, कोई खपत नहीं होती O2 की। ठीक है, या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन तो बोल दिया, साथ ही साथ बोल सकते हो फर्मेंटेशन। आपको पता होगा जब अपन ह्यूमंस में बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बाद अगर जो कंडीशन है वो फेवरेबल है, मतलब कि ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में है, तब तो क्रेब्स साइकिल होगा। और अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में नहीं है, कम ऑक्सीजन है, हाई वर्कआउट हो रहा है, हाई मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उस समय जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद पाइरूविक एसिड है वो चला कहाँ जाता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो यही बोलते हैं यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टेजेस हैं, कुछ स्टेप्स हैं, उसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं फ्लो चार्ट की मदद से। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास जो सबसे पहले कंपाउंड था ग्लाइकोजन। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले कंपाउंड था ग्लाइकोजन। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, इस ग्लाइकोजन का ग्लाइकोलाइसिस होगा। ठीक है, इस कंपाउंड का ग्लाइकोलाइसिस होगा, और यहाँ पे एनर्जी भी लगेगी। ग्लाइकोजन का ग्लाइकोलाइसिस होगा, यहाँ पे एनर्जी लगेगी। ग्लाइकोजन का पहले ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा, उससे ग्लूकोज बनेगा, फिर ग्लाइकोलाइसिस होगा। ठीक है, रिजल्टिंग कंपाउंड जो बनेगा वो हमारा होगा पाइरूविक एसिड। रिजल्टिंग कंपाउंड क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस के बाद रिजल्टिंग कंपाउंड क्या होता है, ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो पाइरूविक एसिड बनता है, सबको पता है। तो पाइरूविक एसिड बनेगा, पाइरूविक एसिड से फिर क्या बनाना है, हमें एसिटाइल कोएंजाइम है। तो एक चीज़ याद रखो, पाइरूविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना होता है, तो उससे क्या करना होता है, पाइरूविक एसिड क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड, एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड, मतलब कि 1 कार्बन का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, 1 कार्बन का लॉस हो रहा है, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे पाइरूविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना है, तो यहाँ पे होगा डीकार्बोक्सिलेशन। एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और एसिटाइल कोएंजाइम ए से यहाँ पे बन जाएगा फैटी एसिड। एसिटाइल कोएंजाइम ए से यहाँ पे फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज फैटी एसिड। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो CO2 का प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे जो CO2 का प्रोडक्शन हुआ था, वो CO2 जो है वो क्या करेगा, वो बॉडी सरफेस के थ्रू शरीर से बाहर हो जाएगा। जो CO2 बनेगा वो बॉडी सरफेस के थ्रू शरीर से बाहर हो जाएगा, और जो फैटी एसिड एज अ वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में आएगा, जो फैटी एसिड आएगा एज अ वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में, वो फैटी एसिड भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के थ्रू बाहर चला जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर चला जाएगा शरीर से, और जो एनर्जी मिली वो एनर्जी जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाएगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस में खर्च हो जाएगी, और अगर एक्स्ट्रा मात्रा में ग्लूकोज शरीर में आ गया तो वापस से वो ग्लूकोज जो है बॉन्ड बनाएगा और ग्लाइकोजन के फॉर्म में जाकर स्टोर होके बॉडी में स्टोर रहेगा, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो ग्लाइकोजन टूटेगा। ग्लाइकोजन पहले ग्लाइकोजेनोलाइसिस से टूट के ग्लूकोज बनाएगा, फिर ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस करके यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो ये तो था आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन इन फैसियोला हेपेटिका, जिसको आपने पढ़ लिया। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिंपल सा टॉपिक था, क्योंकि रेस्पिरेशन का बेसिक टॉपिक आपको पता है, इसलिए एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन है दैट मीन्स कि हमें पता है कि वहाँ पे आगे क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस हो रहा है, या फिर
किसी भी तरह से जो एनर्जी है वो O2 को कंज्यूम कर रही है और हमें एनर्जी मिल रही है, ATP मिल रही है। पर एनारोबिक काइंड ऑफ रेस्पिरेशन में O2 की स्कार्सिटी होती है, O2 की कमी होती है, तो O2 के डेफिशिएंसी में, O2 की कमी में हमें जो है ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, और ऑक्सीडेशन जो फूड का होता है तो वहाँ पर एनर्जी जो है वो बहुत कम मात्रा में मिलती है, पर उसी एनर्जी से जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना काम चलाता है। ठीक है, तो ये तो था आज का एनारोबिक रेस्पिरेशन इन फैसियोला हेपेटिका। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा। इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही नोट डाउन करना, और एक एक्स्ट्रा एक चीज़ लिख देना कि जब ग्लाइकोजन से हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस करते हैं तब ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस करते हैं तब पाइरुविक एसिड बनता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना। आज का वीडियो हम यहाँ पर ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।